नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। सुबह के 9 बज गए लेकिन ये अभी तक 4 बजा रही है। रोज 4 पे आके अटक जाती है। देखो माँ, भैया ने मेरे ऊपर पानी डाला। तू कोई नमक की बनी नहीं जो पानी डालते ही घुल जाएगी। अरे चल बाबूजी, ये घड़ी वक्त की बहुत पक्की है। एक बार जो वक्त बता दिया ना तो फिर हिलती नहीं वहां से। लाइए। अरे मैंने, फिर तू टाइम कैसे देखेगा? बाबा मैं ठीक करा लूंगा या किसी और से पूछ लूंगा। आजकल सब लोग तो घड़ियां पहनते हैं। चलो चलो नाश्ता तैयार है, आ जाओ। माँ माँ मैं नाश्ता नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 10 बजे पहुंचना था और बहुत देरी हो चुकी है। 4 बज चुके हैं, पता है? 4 बगड़े बंद है। पता नहीं क्या काम करता है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया है। नाश्ता करने के लिए भी इसके पास टाइम नहीं है। एक डिनर, एक मिनट, क्या जाता है? अरे फोकट में थोड़ी आता है, पैसे है क्या तेरे पास? पैसे नहीं तो क्या हुआ? एक डिनर, सिर्फ एक डिनर, एक मिनट क्या जाएगा तेरा? फोकट में थोड़ी आता है यार। क्या बेटा, तुझे झंडा चाहिए? जी ये ले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू अंकल। मुझे मालूम था तुम यही मिलोगे। अगले हफ्ते फाइट फिक्स कर रहा हूँ, इस मुकाबले में पैसा भी अच्छा मिलने की उम्मीद है। भाभी भी आ गई। ए चुप बैठना। हेलो भाभी। हाय। क्यों, ठीक ही तो कह रहा है वो? क्या ठीक कह रहा है? तुम्हारे पापा वैसे ही हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं करते, और जब से उन्हें पता चला है कि मैं क्लब में भी डांस करता हूँ तब से तो। क्लब में गाते हो तुम घर चलाने के लिए, फाइट करते हो घर चलाने के लिए, सेल्समैन बने हो घर चलाने के लिए, तुम मेहनत करते हो, भीख नहीं मांगते। आज मैं भी तुम्हारे साथ गाऊंगी क्लब में। Why not pump up the bagra? Why not? You wanna be top of the pops? Why not? You wanna be top of the pops? Pump up the bagra. Yeah!
लोग कुछ गुड 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 करने आए। संतो बंतो राणो प्रीतो मैं तेरा जट्टे तू मेरी बिल्लो भंगड़ा पालो रौला पालो लक हिला के रत बिटालो लव लव करना तुम्हें सिखाए दिल का धड़कना तुम्हें सुनाए पपक भंगड़ा पपक भंगड़ा पर्दा हटा दिखा दे मुकड़ा। हमें अच्छी लगती है स्वीट कोई मिस हमें अच्छी लगती है जोश वाली किस हमें अच्छा लगता है रैप ब्रेक डांस हमें अच्छा लगता है मॉडर्न रोमांस। कच्ची कच्ची कलियों से फायदा उठाते हो तुमने कितनी गर्ल्स का दिल लिया लूट दिल मेरा कहता है कर दूं तुम्हें शूट। क्या बात है माँ? कुछ नहीं बेटा सो जा। माँ की आंखों में नींद की जगह आंसू और बेटा सो जाए ना माँ तू बता मुझे बात क्या है। बेटा माँ बाप का फर्ज है कि औलाद को आराम दे मगर मैंने तो तुम्हें सिर्फ परेशानी और तकलीफें ही दी। कैसी बातें करती है माँ तूने मुझे जन्म दिया है और पिताजी ने एजुकेशन और अब मैं बच्चा नहीं रहा बड़ा हो गया हूँ इसलिए घर की हर परेशानी और तकलीफ दूर करना मेरा फर्ज है। अब बता तकलीफ क्या है। बेटा तू तो जानता है तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती दिन ब दिन उनकी सेहत गिरती जा रही है और छोटी अब छोटी नहीं रही जवान हो गई है उसकी शादी करनी है यही चिंता मुझे सताती है। बस माँ इतनी छोटी सी बात पर इतने कीमती आंसू बहा रही हो। अरे मैंने डॉक्टर से बात भी कर ली है और अगले हफ्ते ही पिताजी को चेकअप के लिए लेके जा रहा हूँ। और रही बात छोटी की तू उसकी चिंता छोड़ और उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ फिर देख कितने धूमधाम से मैं उसकी शादी करता हूँ। धूमधाम तो छोड़ आजकल सीधी सादी शादी के लिए भी लाख डेढ़ लाख खर्च हो जाते हैं कहाँ से लाएगा इतने सारे पैसे। पैसे अरे अपनी कंपनी से एडवांस ले लूंगा या दोस्तों से उधार मांग लूंगा। और तब भी नहीं हुआ तो भी तू चिंता मत कर माँ ये 20वीं सदी है आजकल गरीब से गरीब आदमी भी कम से कम लखपति होता है क्योंकि उसके पास ये कीमती शरीर है। अरे माँ अगर मैं अपनी एक किडनी भी बेचू ना तो भी छोटी की शादी हो जाएगी। अजय जिस माँ के पेट से इतना बड़ा शरीर मिला हो उस माँ के लिए अपने पेट से मैं किडनी नहीं दे सकता।
मर थोड़ी ना जाऊंगा मां। बोल आज क्या नई मुसीबत आन पड़ी है? हम लोगों की जिंदगी में एक ही तो मुसीबत है, रोटी, और उसके लिए पैसा चाहिए, और मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। बहुत सारा पैसा? एक आइडिया देता हूँ, ये नुक्कड़ पे बैंक है ना, लूट ले। तेरा मतलब है घर वालों को मुसीबत में डालकर खुद अंदर बढ़ जाऊं? दोस्त मुझे पैसा चाहिए लेकिन ईमानदारी का, घर पे राशन भरना है, छोटी की फीस, दूध वाले का बिल। अच्छा बाबा, मैं आज रात को ही तेरी फाइट फिक्स करता हूँ। ओके ओके, चलो अजय चौहान तू भी कपड़े बदल ले। क्या कर रही है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार, दो दिन से मिले क्यों नहीं? पूजा मुझे एक जरूरी काम से पा। चले जाना, कम से कम दो मीठी बातें तो करते जाओ। मैडम मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि बातों से पेट नहीं भरता, उसके लिए काम करना पड़ता है, काम। और मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, थोड़ा प्यार भी करना बहुत जरूरी। मानता हूँ, लेकिन अगर काम नहीं करूंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा? पैसे की चिंता मत करो अजय, तुम अच्छी तरह जानते हो कि लाख दो लाख बैंक से निकाल कर तुम्हें देना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन तुमसे पैसे लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं अपने परिवार को अपनी मेहनत से कमाई हुई रोटी खिलाना चाहता हूँ, किसी के तोहफे या। ए, नाराज हो गए क्या? नहीं। तो बताओ फिर कब मिलोगे? तुम मेरा युद्ध देखने आ रही हो शाम को? ये भी कोई पूछने की बात है? तो फिर वही मिलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सोई नहीं? तेरे घर लौटने से पहले आज तक कभी सोई हूँ? इतनी देर कहाँ लगा दी? चल आ जा। आज काम बहुत ज्यादा था माँ, इसलिए थोड़ा ओवरटाइम करना पड़ा। अजय थोड़ा कम काम किया कर बेटे, देख तो रात के 2 बजने को आए, फिर सुबह उठकर तू 7 बजे काम पर निकल जाएगा, इस तरह तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी बेटा। बाबूजी कंपनी के ऑर्डर भी तो पूरे करने ही पड़ेंगे। बस बस अब बातें मत कर, चल खाना खा ले। अरे इसे क्या हो गया, गुस्से से क्यों देख रही है?
माँ से मिल लिए और बाबूजी से भी बात कर ली, मगर अपनी छोटी बहन के बारे में झूठे मुंह भी पूछा कि कहाँ है वो। बस बस बस, लड़ाई झगड़ा सवेरे, दिन भर का थका घर आया है, जल्दी खाना खा के सो जाने। आज भैया को खाना मैं दूंगी, आओ भैया। देख क्या रहे हो, खाओ ना भैया। मैं खा लूंगा, तू जाके सो जा। मेरी चिंता मत करो भैया, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, चलो जल्दी खाओ। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। दिखाओ दिखाओ। कुछ नहीं हुआ। अरे दिखाओ तो सही। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ। मैं कहती हूँ दिखाओ। भैया ये हाथ इतनी बुरी तरह से कैसे कट गया? छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। मैं जानती हूँ आप कंपनी में सेल्समैन नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ आपको अपना खून तक बहाना पड़ता है। इस घर के लिए आप कितना करेंगे भैया? सिर्फ इस घर के लिए ही नहीं, ये सब मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि तुझे भी इस घर से निकालना है, किसी ऐसे घर भेजना है जहाँ बहुत सुख मिले तुझे। नहीं भैया, वो सुख वो खुशियाँ जो आपको दर्द दे के मिले मुझे नहीं चाहिए। ए छोटी, रो रही है? मैं आपके लिए और तो कुछ नहीं कर सकती भैया, कम से कम आंसू तो बहाने दो। ये लो भैया, आज आपको मुझसे एक वादा करना होगा, चाहे कितना ही दर्द हो कितनी ही तकलीफ हो, सिर्फ मैं रोऊंगी आप नहीं। ले लो। ए माँ। क्या है? इधर आना। अरे बताओ तो सही। इधर तो आ। क्या है बताओ। बैठ बोल। आज तारीख कितनी है? तारीख 13। और महीना? जुलाई। क्यों? क्या माँ, मैं भूल गया, लेकिन तुझे तो याद रखना चाहिए कि आज 13 जुलाई है, यानी कि तेरा जन्मदिन। अरे अरे हाँ, आज तो माँ का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। चुप। याद कुछ रहता नहीं है, गाना वाना शुरू कर देती है। लास्ट शक्कर का डब्बा दे। ये लो। मुंह मीठा कर माँ। बस बस बस, मेरा मुंह तो मीठा किया, अभी तेरा भी। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि शहर की जिस कंपनी में तू काम करना चाहता था ना, वहां से तेरा इंटरव्यू लेटर आ गया है, कल तुझे उन लोगों ने बुलवाया है। कल के कल? इसका मतलब मुझे आज शाम की गाड़ी से निकलना पड़ेगा। हाँ बेटा, निकलना तो तुझे शाम को ही पड़ेगा। छोटी क्या है? बैग में 2 जोड़ी कपड़े डाल के रखना, मैं गोपाल को भेजूंगा, उसके हाथ भिजवा देना। ओके बस, जब देखो तुम्हें तो काम ही बताना आता है, पर क्यों करूं मैं तुम्हारा काम? अच्छा मेरे लिए वहाँ से क्या लाओगे? अगर मुझे नौकरी मिल गई तो जो तू मांगेगी वो ला के दूंगा वहाँ से। बोल क्या चाहिए तुझे? उस दिन तुम कह रहे थे ना कि मुझे इस घर से निकालना चाहते हो। ऐसे थोड़ी ना निकलूंगी इस घर से। देखो मुझे एक अच्छा सा शादी का जोड़ा ला कर देना, और मेहंदी के पैकेट और ढेर सारी चूड़ियाँ। माँ मैं इस हाथ में भी चूड़ियाँ पहनूंगी और इस हाथ में भी चूड़ियाँ पहनूंगी, और ये गाना गाऊंगी, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ है, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ। बेशरम, अपनी शादी की बात करते हो तुझे शर्म नहीं आती? सुन बेटा जल्दी कर, वरना तुझे देर हो जाएगी। और सुन, वहाँ एक दुर्गा माता जी का मशहूर मंदिर है, इंटरव्यू में जाने से पहले वहाँ एक जरूर नारियल चढ़ाना। चेहरे पे खराशी कैसी, कहीं झगड़ा वगड़ा करके आए हो? नहीं सर, कल एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। आई सी। सर ये मेरे सर्टिफिकेट्स और ये मेरी डिग्री से। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन साथ में सिफारिश किसके लिए क्या है? सिफारिश? हाँ हाँ सिफारिश। सर मेरे पास किसी की सिफारिश नहीं है। अच्छा, पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? जी देखो भाई, मैं ठहरा सीधा आदमी, घुमा फिरा के बात कर नहीं सकता। तुम्हें नौकरी देकर मुझे क्या फायदा होगा? हाँ, इस कुर्सी पर बैठकर कल को तुम भी तो लाखों कमाओगे। सर मैं उतना ही कमाऊंगा जितनी मेरी तनख्वाह होगी। तनख्वाह तो तुम्हें तब मिलेगी जब मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ना सिफारिश है ना पैसे हैं, और तुम खैर कोई बात नहीं, घर में कोई बहन वहन है तुम्हारी? हरामजादे, अगर बाहर 10 बेरोजगार लड़के नहीं बैठे होते जिनमें से एक को नौकरी देगा तू, तो इसी वक्त तेरा तमाशा बना देता। तूने ये कुर्सी अपनी बहन की दलाली करके हासिल की होगी, लेकिन हम गरीब लोग ऐसी कुर्सी पर थूकते हैं, समझा? सुनो कल से काम पर आ जाना, हैरान होने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ आजमा रहा था। आई एम सॉरी अजय, मैंने तुम्हें कुछ कड़वी बातें कही। ये सिफारिश ये रिश्वत बहुत छोटी बातें, ऐसी जगहों को पाने के लिए लोग तो अपनी बहनों की दलाली तक भी करते हैं। बट आई एम हैप्पी कि मैंने एक सही और ईमानदार आदमी को चुना।
थैंक यू वेरी मच सर। माँ ने कहा था मंदिर जरूर जाके आना। तेरा लाख लाख शुक्र है माँ कि तूने मुझे ये नौकरी दिलाई। माँ ने कहा था कि इंटरव्यू पे जाने से पहले आपके दर्शन जरूर करूं, मगर भूल गया। अब याद से ये नारियल लाया हूं। ये औरत क्या बोली हा? मैं कुछ नहीं जानता सर। इस जगह को पहचानते हो? सर आप किस जगह की बात कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता। नहीं सर। पहचान इसे? मैं कह चुका हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। आप लोग जबरदस्ती मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आईडेंटिफाई करवाना चाहते हैं। नो आई विल नॉट अलाउ। प्लीज डॉक्टर, प्लीज डोंट शाउट। दिस इज नॉट योर पुलिस स्टेशन, दिस इज एन हॉस्पिटल। प्लीज डॉक्टर, प्लीज, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते अपने पेशेंट की जिंदगी बचाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखो देखो इन तीनों लड़कियों को, वो लड़की कोमा में है और ये दूसरी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है, और ये ऐसी हालत में नहीं है कि आपके किसी सवाल का जवाब दे सके। डॉक्टर, मैं किसी किस्म की कोई सवाल नहीं पूछना चाहता हूं। सिर्फ इन्हें इसकी शक्ल दिखानी है। डॉक्टर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हमें इसे कल कोर्ट में ले जाना है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। शीतल, मिस शीतल, शीतल इस लड़के की तरफ देखो और बताओ क्या यही वो लड़का है जिसने तुम्हारा बलात्कार किया था? शीतल देखो इसे, पहचानो इसे, पहचानो, डरना मत, बताओ, हमें बताओ। शीतल आंखें खोलो। बाहर जाइए प्लीज। बस डॉक्टर, बस सिर्फ एक बार। और क्या जानना चाहते हैं आप? जिस लड़के की सूरत देखते ही ये लड़की कांपने लगी है, पागलों की तरह रोने लगी है, इसका क्या मतलब निकालते हैं आप? नहीं डॉक्टर, मैं निर्दोष हूं डॉक्टर,
प्लीज प्लीज बहन मेरी तरफ देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए मुझे। इन्हें बताइए कि मैं बिल्कुल निर्दोष। बस बस, अब आइडेंटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ले चलो सर। नहीं डॉक्टर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं वो लड़का नहीं हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मुझे एक मौका दीजिए उस लड़की से बात करने का, मैं साबित कर दूंगा कि मैं वो नहीं हूँ। मैं निर्दोष हूँ। बस बस बस, प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक बार उस लड़की से बात करने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इंस्पेक्टर साहब। यो मास्टर जी, कुछ पता चला अजय कौन सी जेल में है और कब छूट रहा है? ऐसे आदमी को तो सबके सामने गोली मार देनी चाहिए। अरे ऐसे बेटे का पता लगाने की जरूरत ही क्या है, इस उम्र में बाप को मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। सच कहते हो दीनू काका, अगर मेरा बेटा होता तो गला घोट कर मार देती उसे। आइए ना डॉक्टर साहब, अंदर चलिए। पार्वती आ गए मेरा बेटा। पार्वती, मैं डॉक्टर साहब को लाया हूँ। मुझे डॉक्टर की नहीं, मेरे बेटे की जरूरत है। अब पुलिस स्टेशन जाकर उसका पता तो लगाइए। अरे अब जल्दी नहीं छूटने वाला वो पार्वती, बहुत लंबी लगी है उसे, जल्दी नहीं निकलेगा। छोटी जाके वो दरवाजा भी बंद कर दे। डॉक्टर भाई सच पूछो तो दुख भी होता है उस बेचारे के लिए, तीन तीन मासूम लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद की है, इंसाफ से तो उसे सजा होनी ही चाहिए। होनी चाहिए, लेकिन उसकी हिम्मत तो देखो। हाँ हाँ, जिसके घर में ऐसी जवान बहन हो उसे कम से कम ऐसी नीच हरकत करते हुए शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। हेलो, लड़कियों कॉलेज के बाहर दादागिरी करता है। चला तो क्या देखता है, क्या देखता तू है, मेरे को देखता है? चलो ले जा। किससे किस तरह बात की जाती है ये तक आप नहीं जानते? इस तरह से बात करते हैं आप शरीफ और इज्जतदार लोगों से? अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए मैं एक स्कूल मास्टर हूँ, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना मेरा फर्ज बनता है, और आप लोग जो इल्जाम मेरे बच्चे पर लगा रहे हैं ना वो बेबुनियादी है, झूठा है। साले खुद बेटी का धंधा करता है और अच्छी शिक्षा देने की बात करता है। देखिए आप हमें इस तरह जलील ना करें, हम अपने अजय को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ जानता हूँ, तेरे कमरे से भी 10 गैलन दारू मिली है। और हाँ, अगर वो कल सुबह तक यहाँ पर हाजिर नहीं हुआ ना, मेरा वो हाल करूंगा कि मोहल्ले में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इंस्पेक्टर, मेरे घर वालों को छोड़ दे। छोड़ दूंगा, कोर्ट के फैसले की बात। इलाज 13 तारीख की शाम चेतना कॉलेज के रिहर्सल हॉल में 3 मासूम लड़कियों का वैश्याना तरीके से बलात्कार हुआ। वो बलात्कार किसी और ने नहीं बल्कि इस लड़के ने और इसके 2 साथियों ने मिलकर किया, और इस बात को साबित करने के लिए मेरा सबसे पहला गवाह है इंस्पेक्टर विजय शर्मा। इंस्पेक्टर विजय, जब आप मुलजिम को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां क्या हुआ? सर, बलात्कार की शिकार शीतल डोगरा मुलजिम को देखते ही पागलों की तरह चिल्लाने लगी, उसे देखकर इतनी घबरा गई कि रोने लगी चिल्लाने लगी। जज साहब, वो पहचान नहीं पाई मुझे और उसने ये नहीं कहा कि मैं ही वो लड़का हूं। ठीक है, उसने ये नहीं कहा, मगर क्या वो लड़की तुम्हें देखकर पागलों की तरह रोने लगी? ये सही है? जी हाँ। पॉइंट बी नोटेड मिलॉर्ड। अब मेरा दूसरा गवाह है मिस्टर जेटली। मिस्टर जेटली, जिस दिन कॉलेज में यह हादसा पेश आया क्या आप वहीं थे? जी हाँ, मैं उस कॉलेज का कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफिसर हूँ और अक्सर काम के सिलसिले में मुझे वहां जाना पड़ता है। उस दिन भी मैं वहां मौजूद था। तो क्या आप विश्वास कह सकते हैं कि आपके कॉलेज में 3 लड़कियों का बलात्कार करने वाला कोई और नहीं यही लड़का है? बिल्कुल, जब ये लड़का और इसके दोनों साथी बलात्कार करके भाग रहे थे तब मैंने इसे बहुत करीब से देखा था। ये झूठ है, ये झूठ है जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर,
तुम्हें अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया जाएगा। मिलॉर्ड, मैं अपना आखिरी और अहम गवाह पेश करना चाहती हूँ, चेतना कॉलेज की प्रिंसिपल मिसेस प्रतिभा जेटली। मिसेस प्रतिभा जेटली, क्या आप अदालत को बताएंगी उस दिन क्या हुआ? जज साहब, मेरी तीनों स्टूडेंट्स रिहर्सल हॉल में बैठ के एक ड्रामे की रिहर्सल कर रही थी, अचानक तभी मुझे किसी की चीख सुनाई दी। झूठ है जज साहब, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर अजय, इस औरत ने तुम्हें मंदिर में देखकर शोर मचाया, जिसकी वजह से तुम गिरफ्तार हुए। इससे पहले तुमने इस औरत को कभी देखा नहीं? जज साहब, क्या इस औरत की तुम्हारे साथ जाति दुश्मनी है? नहीं नहीं सर। तो फिर ये बार बार तुम्हारा नाम क्यों लेती है? मैं इस अदालत से दरखास्त करूंगी कि ऐसे मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि कोई दूसरा ऐसा घिनौना काम ना कर सके। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में ये साबित हो चुका है कि मुलजिम अजय ने और उसके दो साथियों ने मिलकर बलात्कार किया है। जो संगीन जुर्म मुलजिम ने किया है, उसके लिए कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं जज साहब, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। लेकिन कानून की बंदिशों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, इसलिए दफा 376 दादे राते हिंद के तहत ये अदालत मुलजिम अजय को 7 साल बामुशक्कत की सजा देती है। दे शिवा पर मोहे, शुभ कर मन से कभू ना हटू, ना डरू बैरी सौ जब जाए लड़ू, निश्चय कर अपनी जीत करूं। Come in. दरवाजा बंद कर लो, लॉक द डोर। सर, इरादा तो ठीक है ना आपका? अगर मेरा इरादा गलत होता तो दरवाजा लॉक मैं करता। देखो, तुम जानती हो मैं हूँ एडिटर बड़ा सख्त, क्योंकि मेरा बॉस है मिस्टर वक्त, टाइम से चलना चाहिए। जानती हो तुम, तुम्हारी नौकरी जाने वाली है। क्या? बैठो। देखो, तुम्हें मालूम है कि बॉम्बे टाइम का बुरा टाइम चल रहा है, चारों तरफ घाटा ही घाटा है, इसलिए 100 आदमी को नौकरी से निकाल देने की लिस्ट बनी है, उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है। सबसे पहले या आखिर में? ओहो, बीच में हो तो उसे क्या फर्क पड़ता है। देखो, तुम एक अच्छी रिपोर्टर हो और मुझे तुम्हारे काम करने का अंदाज बहुत पसंद आया है, इसलिए मैं एमडी साहब से टेलीफोन पे बात करके तुम्हारी सिफारिश करूंगा। थैंक यू सर, ये लीजिए, जल्दी बात कीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी इसका टाइम नहीं फिक्स हुआ। नो। कब करेंगे सर, नौकरी चले जाने के बाद? मैं तुम्हारी सिफारिश एमडी से तब कर सकता हूँ जब तुम कोई सनसनीखेज खबर लेकर आओ, कोई ऐसी खबर लेकर आओ कि जिससे हंगामा मच जाए। सर, रोज रोज थोड़ी बम ब्लास्ट होता है, रोज थोड़ी कोई बड़ा आदमी मरता है। ओहो, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यस, फाइल। ये उस लड़के की फाइल है जिसको बलात्कार के जुर्म में 7 साल की सजा हुई थी, लेकिन इसके अच्छे चाल चलन की वजह से कल ये रिहा हो रहा है। देखो, सर, ये तो शक्ल से ही रेपिस लगता है। अदालत का भी यही मानना था, लेकिन लड़का आखिर तक यही कहता रहा कि वो निर्दोष है, निर्दोष है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक बलात्कार 3 लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन लड़के ने अपने दोनों साथियों का नाम नहीं बताया। अब बाहर आते ही ये लड़का अपने साथियों से मिलने की कोशिश करेगा, या वो इससे मिलने की कोशिश करेंगे। अगर तुम उन दोनों लड़कों का पता लगा कर ये साबित कर दो कि रेप के बाकी दो मुजरिम वो थे, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी खबर बन सकती है। हाँ सर, बनती तो है, लेकिन अगर हम ये मान के चले कि ये लड़का सचमुच निर्दोष है, तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा ना? अगर ये लड़का निर्दोष था तो असली गुनहगारों को ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा, अगर ये लड़का निर्दोष नहीं था तो इससे मिलने को जरूर आएंगे। इसलिए अगर हम लड़के पे नजर रखें तो हमको असली गुनहगारों का पता लग सकता है। क्या सोच रही हो? नहीं सर, मैं सोच रही थी कि कभी तो वो दिन आएगा जब कोई लड़का मेरा पीछा करेगा। इस नौकरी के चक्कर ने तो सब उल्टा चक्कर चला दिया है, अब इस लड़के का पीछा मुझे करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, रोजी रोटी का सवाल है। करूंगी सर। तुम जाओ, रोटी।
रोजी। अजय, आज तुम रिहा हो रहे हो। बाहर कुछ नहीं बदला है, दुनिया आज भी वैसी है जैसे तुम चार साल पहले छोड़कर आए थे। मगर इन चार सालों ने मुझे तो बदल दिया है जेलर साहब। मेरे नाम के साथ एक और लफ्ज छुड़ गया है, मुजरिम। मगर फिर भी मैं तुम्हें दोबारा मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, कम से कम इस जेल में तो हरगिज नहीं। फिक्र मत कीजिए जेलर साहब, अब मैं इस जेल के अंदर दोबारा नहीं आऊंगा। कम से कम बेगुनाह बनकर तो हरगिज नहीं। गणेश आइला, ये स्कर्ट आधा मीटर भी नहीं होगा रे। नहीं रिपोर्टिया, आधा मीटर तो जरूर होगा। क्या बात कर रहा है, 50 रुपए की लगी। चल लगी। बुरा नहीं मानना, मेरे को तुम्हारी स्कर्ट का माप लेना ही होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे चल निकल। अरे क्यों बे, हीरो बनते हो, राह चलती हुई लड़कियों के स्कर्टों के नाप लेते हो। मैं तुम दोनों को कानून का नाप बताता हूँ। पकड़ो इसे, ले चलो इन्हें थाने। अच्छा हुआ। चल बे चल। ए रुक जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? अजय। कहाँ जा रहे हो? अपने घर। घर कहाँ है तुम्हारा? जवाहर नगर। जवाहर नगर? जवाहर नगर तो मेरा ही इलाका है, इससे पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ। जी मैं 4 साल बाद घर जा रहा हूँ। क्यों, 4 साल कहाँ थे? मैं जेल में था। क्या, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बोले तुम? मैंने कहा ना, मैं जेल में था। किस जुर्म में अंदर गए थे? क्या पूछ रहा हूँ मैं, किस जुर्म में अंदर गए थे तुम? रेप केस में। अच्छा, बलात्कार। बहुत बड़ा काम किया है तुमने। मुझे मुजरिमों से सख्त नफरत है, खास तौर पर मासूम लड़कियों की इज्जत लूटने वालों से। मेरे इलाके में रहते हो इसलिए एक सलाह दे रहा हूं, मुझसे बच के रहना। फिर दोबारा किसी केस में पकड़े गए तो ये तुम्हारे हाथ पांव है ना, तोड़ के रख दूंगा। जाओ। सुना नहीं, जाओ यहां से। साल बाद बेटा घर लौटा है और आप देश के लिए कोई जंग जीत के नहीं आए तो मैं इसका स्वागत करूं। इसने मेरा, तुम्हारा, अपनी बहन का, सबका मुंह काला कर दिया है। देख देख इसे, तेरे कारण इसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया है। लोग ताने मारते हैं इसको, जुमले कसते हैं इस पर। जा, चला जा यहां से। बड़ी मुश्किल से हमारे जख्म भरे हैं, उन्हें मत कुरे, मत कुरे दुने। जा। ए भाई चलना, साइड में खड़ा हो, पता नहीं दिन में भी क्या क्या सपने देखते रहते हैं। अरे अरे, कौन हो?
भाई तुम? अरे क्या चाहिए जी? यहाँ मेरा मतलब है चौहान साहब रहते थे। कौन चौहान साहब? जी वो अच्छा, कहीं तुम उस स्कूल मास्टर की बात तो नहीं कर रहे हो? जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कहाँ है वो? उन्हें मरे हुए तो 4 साल हो गए। यही तो गले में रस्सी डालकर झूल गए थे वो। और उनकी पत्नी और बेटी? उन बेचारों के साथ तो बहुत बुरा सलूक किया इन लोगों ने। घर का भाड़ा कहाँ से चुकाते? घर से निकाल दिया मकान मालिक ने। 8-10 दिन तो यहीं पड़े रहे बेचारे सड़क के किनारे। और फिर एक दिन किसी शराबी ने उस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला। उसके बाद वो दोनों माँ बेटी पता नहीं कहाँ चले गए। पर तुमने तो ये बताया नहीं कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। मैं चौहान साहब का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, तुम ही हो वो जिसकी वजह से सारा परिवार तिनके की तरह बिखर गया। अरे इतनी ही प्यास लगी थी तो किसी बाजार में जाके बुझा लेता। मासूम लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालने की क्या जरूरत थी? चल दफा हो जा यहाँ से। नीलू, देखो बेटा तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कब तुम अपनी गहरी नींद से जागोगी बेटा? कब तुम अपने डैडी से बात करोगी? तुम्हारा मुजरिम सजा काटकर बाहर आ चुका है बेटी, लेकिन जो सजा उसने काटी है वो बहुत कम है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक वो इस धरती पर है मैं हर पल उसके किए की सजा उसे देता रहूंगा। उसे ढूंढना आसान नहीं होगा सर, ऐसी झोपड़पट्टी में मुजरिम को दिन में ढूंढना नामुमकिन होता है। रात को कहां से ढूंढेंगे? मेरे ख्याल से हम लोग यहां से निकल पड़े। आखिर गया कहां? सर, एक कुत्ते पुलिस वालों को देख के क्यों भौंकते हैं? सामने खड़ा है ना, उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? अच्छा चलो चलो। माफ करना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी। Thank you.
मां मुझे गलत मत समझना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तब भी बेकसूर था और अब भी बेकसूर हूँ। मां मैं तेरी कसम खाता हूँ, मां मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ बेटा, मेरा खून इतना गंदा हो ही नहीं सकता है। मां मैं तो उस दिन इंटरव्यू के बाद मंदिर गया था देवी माँ के दर्शन करने, बस वही। बस बस बेटा, मैं सब जानती हूँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं। तू मंदिर गया था देवी की पूजा करने के लिए और देवी माँ ने तुझे चुन लिया उन लोगों को सजा देने के लिए जो औरत को औरत नहीं समझते, पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं। तेरे पिताजी लोगों की ताने बर्दाश्त नहीं कर सके और करते भी कैसे, जो बेटा उनकी जान था, जिस पर उन्हें गर्व था, उसी के बारे में लोग इतनी गंदी और गिरी हुई बातें करें। उन्होंने जान दे दी। तू जानता है मैं क्यों जी रही हूं? एक दिन तू लौट कर घर आएगा और उन शैतानों को सजा देगा जो हमारी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। अपने बाप के नाम पर, माँ की कोख पर और खुद अपने माथे पे लगे कलंक को धोएगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ माँ, हमारी बर्बादी के जिम्मेदार दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो, मैं उन्हें ढूंढ कर सजा दूंगा। इस दुनिया और समाज के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा मैं। अच्छा, मैं आज के बाद तेरा मुंह उस दिन देखूंगी जिस दिन। बस माँ, माँ छुट्टी कहाँ है? छुट्टी बताती हूँ। डॉक्टर साहब मेरी बहन है यहाँ पर, छोटी। छोटी? कौन छोटी? रूपा चौहान नाम है उसका। रूपा? रूपा तुम्हारी बहन है? मगर उसका भाई तो। हाँ डॉक्टर साहब, रूपा का भाई मैं नहीं, अजय। ये 4 साल से यहाँ पर नहीं था ना, तो इसकी जगह भाई का फर्ज मैं निभा रहा था। कब आया तू? कल। कैसा है? छोटी को क्या हुआ? आजा, खुद अपनी आंखों से देख ले। आ। तुम लोगों को पता है मेरी शादी होने वाली है, मैंने अपने शादी के कार्ड सबको बांट दिए, बस एक तुम लोगों को ही देना भूल गई। देखो तुम लोग भूलना नहीं, आओ जरूर आना। तुम लोग आओगे ना? लो तुम भी लो, तुम भी लो और तुम भी लो। देखो तुम लोग जरूर आना, हाँ बहुत मजा आएगा। मेरे भैया ना बड़ी धूमधाम से मेरी शादी करने वाले हैं। जानती हूँ वो शहर गए हैं, मेरे लिए शादी का जोड़ा लाएंगे, मेहंदी के पैकेट लाएंगे और ढेर सारी चूड़ियाँ भी लाएंगे। यहाँ से यहाँ तक चूड़ियाँ पहनूंगी और पता है कौन सा गाना गाऊंगी? मेरे हाथों में नाना। अरे तुम क्यों रो रहे हो? समझ गई, लगता है तुम्हारी बहन की भी शादी होने वाली है। मुझे पता है बहनों की शादी में भाई बहुत रोते हैं, मेरे भैया भी कहते थे कि मैं तेरी शादी में बहुत रोऊंगा। ये लो मेरी शादी का कार्ड, देखो तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। हाँ और अगर मेरे भैया रोए तो उन्हें रोने मत देना। छोटी, छोटी मैं मत छुओ मुझे, मुझे सिर्फ मेरे भैया छू सके, तुमने कैसे छुआ मुझे? रूपा, रूपा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी शादी के कार्ड बांट रही थी। रूपा अपनी शादी के कार्ड कोई खुद थोड़ी बांटता है, लाओ मुझे दे दो मैं बांट दूंगा। और तुम चलो, तुम्हारा दवाई पीने का टाइम हो गया है, तुम दवाई पी लो। अरे हाँ मैं तो भूल गई थी, चलो चलो, चलो। क्या हो गया? बाबूजी दुनिया छोड़कर चले गए, मां घर से झोपड़े में पहुंच गई और छोटी, छोटी पागलखाने। ये सब देखने के बाद तो पूजा से मिलने की हिम्मत ही नहीं होती। पूजा के बारे में सोचने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तुम चाहो भी तो उससे मिल नहीं सकते। हाँ जय, पूजा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या तुम
तुम्हारे जेल जाने के बाद उसके डैडी उसकी शादी जबरदस्ती किसी दूसरे के साथ करना चाहते थे, और तुम तो जानते हो पूजा तुमसे कितना प्यार करती थी, जान दे दी। हराम साधे, मेरा 2 करोड़ का माल तुम लोगों ने गवा दिया। कौन था वो इंस्पेक्टर जिसने इतनी हिम्मत की? कौन था? कौन है आप? शक्ल से इतने नासमझ तो नहीं लगते हो तुम। तुम्हारा एक आदमी अस्पताल में मरने से पहले, डरो नहीं, उसने सिर्फ इस जगह का पता बताया है, तुम्हारा नाम नहीं। बहुत खुशकिस्मत हो तुम, बच गए, वरना यहां आने की बजाय मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में बुलवाता, और पुलिस स्टेशन में मुजरिमों के साथ किस तरह से पेश आता हूं मैं, ये किसी मुजरिम से ही पूछकर देखना। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं मुजरिम नहीं बिजनेसमैन हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता हूं। कारोबार? ठीक कहा तुमने, मौत खरीदते हो तुम और मौत बेचते भी हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन एक बात याद रखना, समझे नहीं इंस्पेक्टर? शायद तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम्हारे सारे खानदान को। तुम्हारी मां चंपाबाई के कोठे पर मुजरा करती थी, और तुम्हारा बाप बच्चों की वाड़ी का मशहूर भड़वा था। सच कड़वा लगा ना? इंसान का इतना सच बोलना भी अच्छा नहीं कि उसकी जुबान को रोकने के लिए उसकी सांस को बंद करना पड़े। ये तमाचा मैंने तुम्हें अपनी वर्दी की क्रीज खराब करने के लिए मारा है, और याद रखना ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा जितनी जल्दी हो सके बंद कर देना, क्योंकि मौत के सौदागरों को ज्यादा दिन जीने की मोहलत नहीं देता मैं। मरेगा मरेगा ये हरामजादा मेरे ही हाथों से। माँ, तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकती। तुमने ही उस लड़के को एक दिन पहले जेल से रिहा करवाया। मैं तो वहाँ ठीक 9 बजे पहुँच गई थी, लेकिन संडे होने के कारण उसे एक दिन पहले छोड़ दिया गया। अब तुम ही बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम ही बताओ माँ, इतने बड़े शहर में मैं उस मवाली को कहाँ ढूंढती फिरूंगी? हे माँ, एक बार, बस एक बार मुझे उससे मिलवा दे, ये मेरी रोजी रोटी का सवाल है। उसके आर्टिकल में मैं तेरा भी जिक्र करूंगी। अरे, ये तो वही रेपिस्ट है। वाह माँ, तूने तो कमाल कर दिया। अम्मा, मैं तेरा शुक्रिया बाद में करूंगी, पहले अपनी रोजी रोटी का तो बंदोबस्त कर लूं। अरे इतना बोझ मैंने अपनी सारी जिंदगी में पहले कभी नहीं उठाया। कमर टेढ़ी हो गई। नहीं नहीं नहीं, और फाइल उठाकर लाने के लिए मुझे मत बोलना भाई। मैं और फाइलें लाने के लिए नहीं बोल रहा, यहाँ पर जितने भी पेपर्स हैं उनमें से रेप केस के आर्टिकल्स गायब हैं। लगता है तेरी जिंदगी में कोई और भी दिलचस्पी ले रहा है। बड़ी जोरों की भूख लगी है भाई, पहले तो पेट पूजा करो, उसके बाद। दरवाजा खुला है? मैं गलती से ताला लगाए बिना तो नहीं चला गया? तूने ताला मेरे सामने लगाया था। इसका मतलब चोर हाथ साफ कर गया। चोर हाथ साफ होता क्यों है? चल अंदर चल चल। वाह क्या खुशबू है। Thank you.
बना लेती। कौन हो तुम? ओ सॉरी, मेरा नाम रितु है। मेरा नाम गोपाल। ये सारा खाना तुमने हम दोनों के लिए बनाया है ना? आप दोनों के लिए नहीं, हम तीनों के लिए बनाया है। ओ, ये कटिंग्स तुमने लगाई है यहाँ? हाँ, सोचा था तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन बातें बाद में, पहले खाना। ओके हाँ चलो। कौन हो तुम? ब्रदर, ये तुम्हारा दोस्त कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में है। ए मिस्टर, हाथ छोड़ के बात करो। मेरी एक कंप्लेंट तुम्हें 4 साल के लिए रेप केस के जुर्म में अंदर कर सकती है। मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ, समझे? नहीं नहीं सिस्टर, ऐसा कदम मत करना। तुम तो अच्छी लड़की लगती हो। वो तो मैं हूँ ही, इसीलिए तो यहाँ आई थी, इसकी मदद करने। मगर ये तो हाथ पकड़ता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हें फंसाया गया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, ये मेरी अपनी जंग है और उसे लड़ूंगा भी मैं ही। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी अपनी जंग है और तुम इसे खुद लड़ना चाहते हो, लेकिन इस जंग में अगर तुम्हारा कोई साथ देना चाहे तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? मे आई कम इन? यस कम इन। मैडम, मैं बॉम्बे टाइम्स की रिपोर्टर हूँ और ये मेरे दो साथी हैं। बैठिए। थैंक यू। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? जी, आज से 4 साल पहले आपके कॉलेज में 3 लड़कियों का रेप हुआ था, उसी के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, हुआ तो जरूर था, लेकिन उस वक्त मैं प्रिंसिपल नहीं थी, मिसेस जेटली थी। उनके हस्बैंड मिस्टर जेटली भी इस कॉलेज के करेस्पोंडेंट हैं? वो अब नहीं है। क्या आप उनका एड्रेस दे सकती हैं? आई एम सॉरी, आज से 4 साल पहले मिस्टर एंड मिसेस जेटली कार एक्सीडेंट में मारे गए। मगर आप उन 3 लड़कियों का एड्रेस तो दे सकते हैं जिनका रेप हुआ था? हाँ, उसमें से एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और दूसरी इंस्पेक्टर की बेटी है जो अभी भी शायद कोमा में है। हाँ, शीतल का एड्रेस मिल सकता है? यस मैडम। राम सिंह, इन्हें शर्मा जी के पास ले जाओ और देखो शीतल डोगरा का एड्रेस मिलता है तो इन्हें दे दो। जी मैडम। आप जाइए। थैंक यू। वेलकम।
रहे जिस जगह भी रहे तू मेरे पास है। तरह मैं हरदम तुझे ढूंढता रहता हूँ, पागल की तरह मैं हरदम तुझे ढूंढता रहता हूँ, तेरा नाम हथेली पर लिख कर मैं चूमता रहता हूँ, आंखों में बसा कर खाते मैं झूमती रहती हूँ, तेरा नाम हथेली पर लिख कर मैं चूमती रहती हूँ। I love you, I love you, I love you, I love you। जानम ओ जानम ओ दिलबर मेरे दिल में है, ख्यालों में तू, ख्यालों में तू, ख्वाबों में है। जलाए हैं दिल ने वफा के दिए, मेरी जिंदगानी है तेरे लिए। समेटा है आंखों में मैंने तुझे, तू छुप ना भी चाहे तू छुप ना सके, छुप बसा कर खाब तेरे मैं झूमता रहता हूँ, तेरा नाम हथेली पर लिख कर मैं झूमता रहता हूँ। I love you, I love you, I love you, I love you। नमस्ते बहन जी, मेरी कंपनी बहुत सस्ते दामों में बहुत अच्छी चीजें बनाती है, जैसे अचार, जैम वगैरह। सॉरी, मुझे कुछ नहीं खरीदना। कम से कम देख तो लो शीतल। शीतल, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? कौन हो तुम? यही दरवाजे पर बताओ या अंदर चलकर? आइए। अब बताओ कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ और यहाँ सिर्फ ये बताने आई हूँ कि जो लड़का तुम्हारी वजह से जेल गया था वो रिहा हो चुका है। तुम्हारी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके पिता ने खुदकुशी कर ली, उसकी बहन पागलखाने पहुंच गई और तुमने आराम से शादी कर ली। क्या एक बार भी तुम्हारी आत्मा ने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह लड़का गुनहगार ठहराया गया है? लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? कम से कम तुम उसके माथे पर लगा हुआ बदनामी का दाग तो मिटा सकती हो। बस तुम्हारे सिर्फ इतना कहने से कि उसने तुम्हारा बलात्कार नहीं किया है, वो एक इज्जत की जिंदगी जी सकता है। मेरे पति को इस बारे में कुछ नहीं मालूम, जब उन्हें पता चलेगा तो मेरा क्या होगा, मेरा घर, मेरे परिवार का क्या होगा? आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा मैडम, तुम्हें मेरे साथ बयान देने के लिए आना ही होगा। ये रहा मेरा कार्ड, ठीक 10 बजे पहुंचाना। और हाँ, कल आना जरूर, वरना परसों के अखबार में मुझे ये कहानी एक बार फिर छापनी पड़ेगी, तस्वीर के साथ।
चार साल की सजा काटने वाला मुजरिम अपराधी या निर्दोष, अच्छी हेडलाइन है, आर्टिकल भी अच्छा है। थैंक यू सर। लेकिन इसे अखबार में मैं छापूंगा नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम्हें ऐसी मनगढ़ंत कहानी लिखकर लाई हो जिसकी सच्चाई सिर्फ तुम्हारा मन मानता है। और मेरा मन जो मानता है वही सच्चाई है सर। आप ये खबर एक बार छाप के तो देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। तुम्हें क्या ये भैंसों का तबेला लगता है जो दूध और पानी की बातें करने लगी? देखिए सर, आपने एक केस मुझे सौंपा था और जब मैं इस केस की गहराई तक पहुंच गई हूँ, आप मेरी खबर छापने को तैयार नहीं है। देखिए सर, आपको ये खबर छापनी ही पड़ेगी, वरना 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 क्या करोगे? सन टाइम्स अखबार वाले मेरा आर्टिकल छापने को तैयार हैं। यानी तुम मेरे दुश्मन अखबार वालों के पास जाकर आर्टिकल छपवाओगे? क्या करूं, मजबूरी है। देखो ये बड़ी गलत बात है, तुम मेरे यहाँ काम करती हो। देखिए सर, अपना और मेरा बेकार वक्त बर्बाद मत कीजिए। साफ साफ बताइए कि आप आर्टिकल छापने वाले कि नहीं। आप शायद रितु को मिलने आई हैं, लेकिन रितु तो घर पे है नहीं। मैं आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे? जी, मेरा नाम शीतल है। मैंने पहली बार आपको हॉस्पिटल में देखा था, पुलिस लाई थी आपको पहचानने के लिए। ओ, तो वो आप थी जिन्होंने मुझे पहचाना था। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, उस दिन पुलिस ने भी गलत समझा था। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि आप वो नहीं है। वो रात मेरे लिए एक भयानक सपने की तरह थी। मैं डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी और पुलिस वालों ने समझ लिया कि आप गुनहगार हैं। करीब 5 दिनों बाद मुझे पूरी तरह होश आया और मैंने अपने पिताजी को सारी सच्चाई बता दी। मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी थी। एक दिन मैं प्रिंसिपल से भी मिलने गई। इसकी बात कर रहे हो तुम? मैडम, आपने जिस लड़के को पहचाना है वो उनमें से नहीं है। अगर आप पहचानना ही चाहती हैं तो मैं आपको बताती हूँ लोगों के बारे में। मेरी जुबान तो मेरे पिताजी ने बंद कर दी, मगर आपने बोलने की हिम्मत की है। लेकिन आपने जिस लड़के को पहचाना है वो नहीं है। मैं जानती हूँ शीतल। क्या? हाँ, क्योंकि एक माँ और एक बाप मजबूर थे किसी को भी पहचानने के लिए। अभी मैं फैसला भी नहीं कर पाई थी कि किस्मत ने उस लड़के को मेरे सामने खड़ा कर दिया और मैंने कह दिया कि यही है वो। क्योंकि जिस तरह तुम मजबूर थी अपने पिता की वजह से, उसी तरह मैं भी मजबूर थी अपनी बेटी से। भक्तों ने मेरी बेटी का वीडियो कैसेट निकाल लिया था। शीतल, तुम्हारी शादी तो होने वाली है पर मेरी बेटी की शादी तो हो चुकी है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मेरी बेटी की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा देते। बेटी भैया, मैं चाहती हूँ कि आपके माथे पे लगा ये बदनामी का दाग धुल जाए, मगर मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। जरा सोचिए क्या होगा मेरी इज्जत का, मेरे खानदान का। आज उस रिपोर्टर रितु ने मुझे पहचान लिया है, उसे मेरी सारी सच्चाई का पता चल चुका है। उसने मुझसे कहा कि कल जज के सामने मैंने तुम्हारी बेगुनाही का बयान नहीं दिया तो अपने अखबार में मेरी सारी कहानी फिर से छाप देगी। ये मेरी बेटी है, मेरे पति के दिल की धड़कन और उस बलात्कार की निशानी जिसे वो अपनी बच्ची समझ कर बहुत प्यार करते हैं। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि वो उसके बाप नहीं है तो क्या बीतेगी उन पर, क्या होगा इस बच्चे के भविष्य का? भैया, मेरे पास ये थोड़ा कुछ है जो मैं आपको दे सकती हूँ। आप ही मुझे इस बदनामी से बचा सकते हैं, वरना मरने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं। रो मत बहन, तुमने मुझे भैया कहा ना तो तुम मेरी बहन जैसी हुई। मैं अपनी एक बहन तो खो चुका हूँ, दूसरी नहीं खोना चाहता। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें खामोश कराकर बिल्कुल सही किया, क्योंकि सचमुच सच्चाई अपनी कीमत खो बैठी थी। तुम घर जाओ और सब कुछ भूल जाओ, रितु भी सब कुछ भूल जाएगी। जो कुछ आपने मेरे लिए किया मैं इसका बदला तो नहीं चुका सकती, लेकिन हाँ उसके बदले उन गुनहगारों के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ उन लोगों के बारे में। जो सम्मान, जो प्यार आप सभी ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों का आभारी। और आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, आपकी सोई चेतना को जगाना चाहता हूं, आपको आप ही से मिलाना चाहता हूं। द ईयर ऑफ वुमेन, नारी वर्ष आया और चला गया। क्या हुआ? कहां है नारी? वही है जहां पहले वो थी। ये तो सरकार और नेताओं की एक चाल थी कि हमारी भोली भाली माताओं और बहनों को फुसलाकर उनका वोट हासिल करने की। मैं ये नहीं कहता
कि सरकार नारियों के बारे में सोचती नहीं है। सोचती है मगर करती कुछ नहीं, करती कुछ नहीं। ये देखिए, ये 4 साल पहले घटना घटी थी, 3 मासूम लड़कियों की इज्जत को डसा था इस नाग ने। 4 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आ गया। मैं अब माताओं से बहनों से पूछना चाहता हूं कि 4 साल जेल में रहने के बाद क्या ये नाक डसना छोड़ देगा? नहीं। ये और न जाने ऐसे कितने सांप हमारे देश में घूम रहे हैं, हमारी बहनों की इज्जत डस रहे हैं। हमें इनका सर कुचलना होगा। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं उस दिन इस देश को आजाद समझूंगा जब इस देश की नारी आधी रात को 12 बजे घर से बाहर निकल सकेगी। यहां तो पुरुष सुरक्षित नहीं है, पुरुष यहां तो दिन में नेताओं को, मंत्रियों को 5-5 कमांडो के साथ बुलेट प्रूफ कार में घूमना पड़ता है। बड़े शर्म की बात है, जो खुद सुरक्षित नहीं है नारी सुरक्षा क्या करेंगे? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसे कायरों का साथ, ऐसे गुंडों का साथ, पूंजीपतियों का साथ। मुझे तो सिर्फ मेरी माताओं और बहनों का साथ चाहिए। मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि इस देश की नारी सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है। हमारे देश में 1 पुरुष के मुकाबले 7 नारियां हैं और इसीलिए जंग मैं आपके प्यार से और आपके आशीर्वाद से लड़ना चाहता हूं। और मुझे इस बात का यकीन है ये जंग मैं जीत कर दिखाऊंगा। बाबा राज बहादुर सिंह, राज बहादुर सिंह, राज बहादुर सिंह, राज बहादुर सिंह, राज बहादुर सिंह। हेलो, गाड़ी निकल चुकी है। ओके। नहीं नहीं, जिसने भी मुझ पर हमला किया था उसका निशाना बहुत ही बुरा था, और वैसे भी मेरी जान इतनी सस्ती नहीं कि कोई भी ऐरागरा यूं ही रास्ता चलते छीन ले। भाई साहब मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए। धन्यवाद। मगर आपको इतना बेफिक्र नहीं रहना चाहिए बाबा साहब। अरे आइए आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। पूछिए। आप पर हमला करने वाला शख्स, मेरा मतलब है आपको किसी पर शक है, आपकी कोई पर्सनल या पॉलिटिकल दुश्मनी? मेरा कोई दुश्मन नहीं बाबा साहब। ये बात तो इतने कॉन्फिडेंस से वो ही कह सकता है जो ये जानता हो कि उसका दुश्मन कौन है। मगर मेरा तो सचमुच ही कोई दुश्मन नहीं है बाबा साहब। अभी आपका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जरा आप अपनी पिछली जिंदगी में झांक कर देखिए, हो सकता है कि कोई पुराना दुश्मन
जरा याद कीजिए। अजय क्या याद करो इंस्पेक्टर साहब, मैं तो एक समाज सेवक हूं, मेरी जिंदगी खुली किताब है, मैं अपनी जिंदगी के बारे में उतना ही जानता हूं जितना कि लोग, कुछ भी दबा छिपा नहीं है मेरा। बहुत खूबसूरत फूल है। हाँ, ये सब फूल उन लोगों ने भेजे हैं जो मेरी जिंदगी से बहुत प्यार करते हैं। मगर एक शख्स ऐसा भी है जो आपकी जिंदगी से बहुत नफरत करता है। इस बार तो उसका निशाना चूक गया, लेकिन अगली बार, मेरा मतलब है कि जरा अपना ध्यान रखिए और अपनी पिछली जिंदगी को याद करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ याद आ जाए तो मुझे याद कीजिएगा। सी यू। वाह 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 बाबा साहब, लगता है ये बागीचा भेजने वाला आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है। आओ आओ, आज मुझे विश्वास हो गया कि मैं इलेक्शन में हार ही नहीं सकता। देखा लोगों को कितनी चिंता है मेरी, कितना ख्याल रखते हैं मेरा, ये उसी का तो सबूत है। साहब आपका टेलीफोन। हेलो, बाबा अच्छा हुआ गोली लगी नहीं, कहीं लग जाती ना तो मैं उस साले के। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले जैसा हट्टा कट्टा। लेकिन बाबा ये हुआ कैसे? मैं पब्लिक मीटिंग से लौट रहा था कि अचानक ठीक गाड़ी के सामने रोड पर एक बुड्ढा खड़ा हो गया और साले ने धनाधन गोलियां चलानी शुरू कर दी। किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। अगर पता चल जाए कि वो कौन था तो साले को काट के रख देंगे। नहीं, पता ही तो नहीं चला। बाबा तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? फूलों के साथ किसने ये भेजा है? ये हरामजादा। बाबा मैं निकलता हूँ, शहर में साला जहाँ भी होगा ढूंढ कर मारूंगा इसे। रिलैक्स बेकार, रिलैक्स। अरे बैठो यार, मेरी बात तो सुन, कम से कम बैठ बैठ मेरी बात सुन ठीक तरह से। देख मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मुझ पर हमला करने वाला ये नहीं है। ये अखबार भेजा है उसने, क्या मतलब इसका? मैं कहता हूँ यही आदमी है, यही। ये नहीं है, ये हमला करने वाले की एक चाल है ताकि हमारा शक इस पर जाए और हमलावर चैन की सांस ले। और ये कैसे कर सकता है? एक तो इसे इस बात का पता नहीं कि रेप किसने किया, और दूसरी बात इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि मुझ पर हमला भी करें और ये कटिंग भेजकर मुझे ओपन चैलेंज दे दे। हाँ, और चार साल पहले ये था भी क्या, एक मामूली सा लड़का? और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझ पर हमला करने वाला एक बुड्ढा था, नजर भी कमजोर थी उसकी, एक गोली निशाने पर नहीं लगी। फिर तुम्हें अखबार कौन भेज सकता है? और चार साल के बाद एक आर्टिकल भी तो छपा है उस लड़के को लेकर। टीका, ज्यादा टेंशन मत लो, मुझ पर छोड़ दो। हाँ बाबा, मैं सब संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। कर दिया अटैक, मरिया बाबा, ले लिया बदला। मैं तो समझती थी कि मैं एक बहुत बहादुर इंसान के साथ हूँ जो एक ही गोली में काम तमाम कर देगा, मगर तुम्हारी तो हालत खराब हो गई, एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी। तुमसे अच्छा निशाना तो मैं लगा सकती थी। अगर उसे मारना होता ना तो गोली उसके आसपास नहीं, सीधी उसके सर में लगती। लेकिन मरने से पहले उसे मालूम होना चाहिए कि उसे कौन मार रहा है और उसकी मौत क्यों हो रही। अरे सिस्टर, तुम्हारे मुंह से ये गोली बंदूक की बातें अच्छी नहीं लगती। तुम्हारा काम है कलम चलाना, तुम कलम चलाओ बस। क्यों, तुम समझते हो कलम चलाना बहुत मामूली बात है? ब्रदर, तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है, इसके सामने बड़ी बड़ी बंदूकें बेकार हैं। एक तरफ ये, एक तरफ बंदूक। ये रही तुम्हारी बंदूक और ये इसकी गोली। बस हो गया। ये ब्रदर, तुम्हें इतना पसीना क्यों छूट रहा है? नहीं, ये सब मुझसे देखा नहीं जाता ना, मगर सिस्टर आज तुमने मुझे ऊपर भेजने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था। तुम्हारा इल्जाम ठीक है, मगर हमें ये तो पता चला कि असली गुनेगार कहीं हमारे आसपास ही है। अच्छा सिस्टर,
रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाइए। आज मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों 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 क्यों? नानी के घर के जिस तरह टुकड़े हुए हैं वो मेरे सपने में जरूर आएंगे। देखो जो होना था वो तो हो गया, अब उसके बारे में सोचकर अपनी सेहत का नुकसान क्यों करती हो? नानी के घर को छोड़कर किसी और के बारे में सोचो, नींद भी अच्छी आएगी, सपना भी अच्छा आएगा।
हमको तो अब हमारा पता भी नहीं है यार। में अपनी हमको छुपा ले गया कोई, मेरी तो जिंदगी चुरा ले गया कोई। न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई, मेरी तो जिंदगी चुरा ले गया कोई। न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई। देखो न आया दिल का लुटेरा बचना जरा, देखो न आया दिल का लुटेरा बचना जरा। क्या काम है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? बस यूं ही, तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए ना, इसलिए दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को। ये बताओ क्या पियोगे? कुछ नहीं, काम क्या है? सुना है कल आप अपने पति के साथ नेपाल जा रही हैं? जाओ जरूर जाओ, बहुत अच्छा मौसम है वहां का। लगे हाथों मेरा एक काम भी हो जाए। डार्लिंग, एक छोटा सा पैकेट है जिसे तुम्हें अपने साथ लेकर जाना हो। इस बार मुझसे ये नहीं होगा। अरे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 किलो ड्रग्स हैं, और फिर तुम तो जानती हो 1 घंटे के अंदर मैं तुम्हारे 200 वीडियो कैसेट्स मार्केट में डाल सकता हूँ। आखिर कब तक तुम मुझे ब्लैकमेल करते रहोगे? मैं कोई नहीं, जज की पत्नी हूँ। जाने मन, इसीलिए तो ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जज साहब के साथ जाओगी तो किसी को तुम पर शक ही नहीं होगा, ना ही कोई तुम्हें चेक करेगा। ले जाओ। नहीं, देखो बदनामी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार की, तुम्हारे पूरे घराने की बदनामी होगी। ले जाओ उसे। सुनिए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? करो तो अच्छा है, भगवान तुम्हारा भला करेगा। आराम से उठाना, कहीं लग ना जाए। उठाओ, उठाओ, एक जोर उठाओ, शाबाश, उठाओ, उठाओ, उठाओ। आराम से चढ़ना के गिर जाओ, भगवान से भगवान, शाबाश शाबाश, खींचो खींचो खींचो। आज तुम नहीं होती तो मैं चढ़ा नहीं पाता। खींचो। मुझे घर जाना है, मैं कहती हूँ मुझे घर जाने दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे घर जाना है, मैंने आप सबका क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दे। बहुत हो गया। हाँ हाँ, मैं घर चलती हूँ। अच्छा बाय। अरीरा, 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 अरीरा।
खुद गधा हूँ, तुम ये कहना चाह रही हो ना? आप अपने आप को गधा कहलवा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे सबसे मजबूत भाई हैं। समझ रहा हूँ, तुम्हारा बिस्तर बिछ गया, अब चुपचाप सो जाओ। वाह क्या बिस्तर है, क्या घर है। अजय तुम्हें नहीं लगता कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जो रोज एक नए घर में रहती हूँ? तुम जानती हो एक जगह नहीं रह सकते हम, फिलहाल ये जगह महफूज है, सो जाओ। नींद नहीं आ रही दोस्त, बातें करते हैं ना। क्या बात करनी है? जानते हो ये क्या है? मंगलसूत्र। और जानते हो इसे कहाँ पहनते हैं? अच्छा छोड़ो, इंटरेस्टिंग बात करते हैं। ये बताओ तुमने कभी किसी लड़की के होठों को चूमा है? रितु बातें बंद करो और प्लीज सो जाओ। ओके जो हुक्म। गुड नाइट। We'll be right back.
रुसवाई है ऐसा दर्द इस दिल में जिसे अब सह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। करूं तो क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। कोई जान से नहीं मार सकता। मजाक मत कर मोनिया, मेरा दिल बोल रहा है कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है। देखा, शराब और शबाब दोनों इंसान को कमजोर कर देते हैं। क्या बात है डेका, कोई प्रॉब्लम? मेरे तीन आदमियों का खून हो गया बाबा। किसी पे शक है तुम्हें? ये काम सिर्फ दो ही लोगों का हो सकता है, एक तो राजन गैंग और दूसरा वो छोकरा अजय। मुझे पता लगा है कल रात वो मेरे डिस्को में बैठा हुआ है। इसलिए तुम राजन गैंग पर नजर रखो और मैं अजय को देखता हूं। एक अच्छे राजनीतिज्ञ को कुछ आए ना आए लेकिन हार को जीत में बदलना जरूर आना चाहिए। रमाकांत चौधरी स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर साहब, शालीमार बिल्डिंग के बेसमेंट में जो खून हुए हैं उसमें जेल से छूटे हुए मुजरिम अजय चौहान का हाथ है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं बस समझ लीजिए इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक बोल रहा हूं। देखो तुम्हें बिल्कुल डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। किसी ने भी तुम्हारी तरफ आंख भर के भी देखा तो उसकी आंखें नोच लूंगा मैं। आओ डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। सिर्फ तुम्हें पहचानना है कि वो आदमी कौन है। इतना याद रखना कि जिसने तुम्हारी जान बचाई है वो खूनी भी है, कानून की नजरों में मुजरिम भी है। देखो लड़की को कैसे देखता तू? इसे गौर से देखो, इसने तीन मासूम लड़कियों का बलात्कार भी किया है। इनमें से कोई भी नहीं है क्या? जी नहीं। तीसरी बार तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। जिन जन पर पुलिस को शक है उन सबको तुम्हारे सामने पेश किया गया है और तुम कहती हो कि इनमें से कोई भी कातिल नहीं है। अगर इनमें से कोई कातिल है ही नहीं तो मैं क्या करूं? ऐसे ही किसी को पहचान लो? वो कातिल यहाँ है नहीं, या उसे तुम पहचानना नहीं चाहती हो? आप जो भी समझिए, उस रात जिसने मेरी इज्जत बचाई थी मेरे लिए वो भगवान था। ये इंस्पेक्टर साहब क्या बात है, आज यहाँ कैसे? कहीं चंदा वंदा मांगने तो नहीं आए? इनमें से किसी को पहचानते हो? कौन है? ये वो लोग हैं जिनका कल रात कार पार्किंग में मर्डर हुआ था। इनमें से एक की जेब में तुम्हारे क्लब का कार्ड मिला। मेरे क्लब में आने वाले लोगों को ये कार्ड्स मुफ्त दिए जाते हैं। तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते हो? एक बात कहो,
तुम जैसे समझदार लोग कोई ना कोई ऐसी छोटी गलती कर बैठते हो जो कानून के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब, आपके कानून से कोई अजनबी नहीं हूं मैं। बहुत पुरानी जान पहचान है मेरी इससे। अब तक 4 बार गिरफ्तार किया जा चुका हूं मैं और हर बार खून के इल्जाम। आखिरी मर्तबा एक सब इंस्पेक्टर के खून का इल्जाम लगाया गया। कहीं ऐसा ना हो कि 5वीं मर्तबा कोई हाथ नहीं लगाएगा इन्हें। किसी दिन नाइट ड्यूटी के वक्त किसी अंधेरी सी गली में मैं खुद इनसे मुलाकात करूंगा। उम्र के हिसाब से हाथों में काफी दम लगता है। ये दम मेरे हाथों को मेरी ईमानदारी ने दिया है और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपना वसीयतनामा बनाकर रखो क्योंकि मौत किसी भी वक्त तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटा सकती है। हिम्मत कैसे हुई आने की? जब मैं जेल में था तो हर हफ्ते कोई फोन करके मेरी खबर लिया करता था कि मैं कैसा हूं, कब रिहा होऊंगा। कल तक मैं समझता था कि वो मेरे बाबूजी थे, लेकिन आज पता चला कि वो आप थे। हाँ, वो मैं था, वो मैं ही हूं जो पिछले 4 साल से तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहा हूं ताकि अपने हाथों से तुम्हारे किए की तुम्हें सजा दे सकूं। देखो देखो क्या हाल बना दिया तुमने मेरी फूलसी बच्ची का। आपकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन ये सब मैंने नहीं किया। आप विश्वास करें या ना करें, आपकी बेटी का दोषी मैं नहीं। झूठ बोलता है तू, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है। और होगा भी नहीं। आपकी बेटी होश में आकर जिस दिन इस बात का इकरार करेगी कि ये गुनाह मैंने नहीं किया, तब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे मारकर आप अपनी बेटी को बचा सकते हैं तो ये लीजिए, खत्म कर दीजिए मुझे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, अगर इस दुनिया में भगवान है तो आपकी बेटी अपनी नींद से जरूर जागेगी, और उस दिन अगर उसने मेरी बेगुनाही का सबूत दे दिया तो क्या आप अपने आप को कभी माफ कर सकेंगे? घुसे कैसे? निकलो यहां से वरना पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? छोड़ो मुझे। मैंने तो सुना है कि पुलिस का कहा तुम बिल्कुल नहीं मानती, वरना पुलिस लाइनअप में खूनी को बराबर पहचान देती है, झूठ नहीं बोलती। बाबा अब ये बताएगी कि वो हरामजादा था कौन? बोल 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 बोल। देखो मैं नहीं जानती वो कौन। बाबा ये तो गिर गई। तुम खुद को इस तकलीफ से बचा सकती हो अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। उस रात जिस लड़के ने तुम्हें बचाया वो कौन था? मैं उसे नहीं जानती, मैंने उसे कभी पहले नहीं देखा। मैं जानता हूं तुम सच बोल रही हो, पहले तुम उसे जानती नहीं थी मगर अब तो पहचानती हो, यही है ना? नहीं, ये नहीं है। अब तुम झूठ बोल रही हो और झूठ बोलने वाले लोग हमें अच्छे नहीं लगते। देखा, इसे इतना मार कि सच बोलने लगे फिर भी नहीं माने तो उठाकर नीचे फेंक दो। देखा,
जाने से पहले एक बार कंफर्म कर लो कि वह लड़के जिंदा या मर गए, और हाँ पब्लिक के बीच में खतरा उठाने की जरूरत नहीं। ओके। जिसकी तुम्हें तलाश है उसका पता मैं जानता हूं। कैसेट्स देखा, ये जंग मेरी नहीं उन बहनों की, उन औरतों की है जिनकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। तेरी सबसे बड़ी जागीर वीडियो कैसेट्स थे ना, सब मेरे पास हैं, अगर चाहिए तो आकर ले जा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अजय चौहान। देखा भाई, इस बात की खबर फौरन बाबा को करनी चाहिए। अपनी कमजोरी बताऊं अपने पार्टनर्स को, अगर उनको पता चल गया कि कैसेट्स मेरे पास नहीं है, सबसे पहले वो मुझे गोली मार देंगे। ये कैसेट्स मुझे किसी न किसी तरह हासिल करने होंगे। जल थोड़ा ले लो। देवी मस्तकं तिलकं कृतं सिंदूर शिरस्ति स्थितं नमाधूपं अग्रयामि। दुश्मन का वध करने के लिए पहले शिवा से वर्मा, दे शिवा मोहे, दे शिवा वर्मोहे। शुभ कर्मन से कबहू न डरू, शुभ कर्मन से कबहू न डरू, ना डरू बैरी सो जब चाहे लड़ू, ना डरू बैरी सो जब चाहे लड़ू, निश्चय कर अपनी जीत करू, निश्चय कर अपनी जीत करू। सुनो, यहाँ किसकी मौत हो गई? मौत मौत तो अब होगी डेका, मुझे हिंदुस्तान की हर उस औरत की कसम जिनकी जिंदगी तुम लोगों ने बर्बाद कर दी, और अब तेरी मौत होगी।
औरतों का हमदर्द, अबलाओं का मसीहा। बाबा क्या बात है मोनिया, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है बाबा, टीका बहुत प्रॉब्लम में है। ये देखिए मुझे उसके घर से क्या मिला। हमने बहुत बड़ी गलती की है मोनिया, बहुत बड़ी गलती। हमने अजय को समझने में नासमझी कर दी है। तुम फिक्र मत करो बाबा, समझ लो कि अजय मर गया। वो शहर में जहां भी होगा मैं मौत बनकर वहां पहुंच जाऊंगा। गोपाल कहां है? मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाना लाने भेजा, आता ही होगा। लो आ गया। ओ ब्रदर जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। वहीं पे खड़ा रहे, ले दे तेरा दोस्त तेरा। मोनिया मैं बात कर रहा हूं, मैं पब्लिक मीटिंग में जा रहा हूं। क्या बाबा, इसका मतलब आप यहां नहीं आ रहे? नहीं मोनिया, पब्लिक मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है। और हां याद रखना, उस हरामजादे ने डेका को मारा है। ऑल द बेस्ट। मैंने कहा ना बाबा आप फिक्र मत कीजिए, इसके लिए तो मैंने बहुत मजेदार चीज मंगवाई है। अच्छा अच्छा, ऑल द बेस्ट पब्लिक मीटिंग के लिए, गुड बाय। अब तो तुम तीनों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे वो कसत हमें नहीं मिले तो तुम तीनों के साथ क्या होगा। तू अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, मार दे मुझे, अगर मैं बच गया ना तो तेरी मौत निश्चित है। इतनी जल्दी क्या बेटे, हा? मरना तो तुझे है ही, इसे तो मरना है ही। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि वो कैसेट बनते कैसे हैं। मैं इस लड़की के साथ एक कैसेट बनाऊंगा। तुझे मेरे साथ जो करना है कर, लेकिन लड़की को छोड़ दे। लड़की को छोड़ तक नहीं। ए ये ले, ये जहर से पिला दे, या तो ये जहर पिएगा या तो फिर ये लड़की अपने कपड़े उतारेगी। देखो देखो, तुम लोग जैसा कहोगे वैसे ही करूंगी। अगर इसे छोड़ दो प्लीज। नहीं रे, तू कुछ मत करना। तुम्हें मेरे प्यार की कसम, तुम्हें मेरे प्यार की कसम। हाय हाय, क्या इश्क है। डाल डाल। Yeah.
यहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इन सबसे अच्छे ये मासूम बच्चे जो कि हमारे देश का भविष्य हैं। कल नहीं हमारे देश की बागडोर संभालनी है, मगर इन्हीं में से कोई बच्चा बड़ा होकर दहेज के लिए अपनी पत्नी को मारेगा, किसी लड़की की आबरू से खेलेगा। मैं चाहता हूं इन बच्चों को अभी से वो शिक्षा दी जाए जिससे कि इनके मन में भी नारी के प्रति वो भावना, वो आदर पैदा हो जाए जो कि मेरे मन। उनको बता दूंगी उनके माथे पर कलंक, अपने अजय ने अपने खून से धो दिया। माँ नहीं, माँ नहीं। Oh!
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अजय, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।